पत्रकार वार्ता में कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन कमल न्यान ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंक का कारोबार बढ़ाने और वर्ष 2022 तक इसे अग्रणी बैंक बनाने के लिए काम किया जा रहा है। वर्ष 2022 तक बैंक में 500 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे पूरा करने के लिए बैंक प्रबंधन पूरी मेहनत कर रहा है। बैंक के चेयरमैन ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा बैंक के बिजनेस में 7 करोड़ का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि बैंक को प्रदेश के अन्य सरकारी बैंकों में अग्रणी बैंक बनाने के लिए कांगड़ा उन्ना हमीरपुर में बैंक की 15 ब्रांच को मॉडल शाखाएं बनाने का निर्णय लिया है। चेयरमैन कमल न्यान ने बताया कि बैंक में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए प्रबंधक सहित क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी के 90 पद भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। पीएलटीवी के लिए जयसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।